आजमगढ़ पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हिंदू मुसलमान अब मिलकर गरीबी से लड़ेगा। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ को इस बार करके रहेंगे फतेह। अखिलेश के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। कासगंज, एटा, औरैया, कन्नौज को तो फतेह कर लिया है, इस बार आजमगढ़ और लालगंज की बारी है। इसको भी इस बार ईश्वर के आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सहयोग से फतेह करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुर में जनसभा करने पहुंचे थे। स्वतंत्र देव ने अपने भाषणों की शुरुआत देश के पहले CDS रहे बिपिन रावत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर और मौजूद भीड़ को भी मौन रखने की अपील करके की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किए गए तमाम कार्यों को इस दौरान स्वतंत्र देव ने याद किया। अटल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य मोदी और योगी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया गया है, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ना अब हिंदू ना मुसलमान से लड़ेगा, ना मुसलमान अब हिंदू से लड़ेगा, बल्कि मिलकर योगी मोदी के नेतृत्व में गरीबी से लड़ेगा, अपराधियों से लड़ेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों से लड़ेगा, अपने कल्याण के लिए लड़ेगा। पिछले 70 वर्षों में विकास ना होने के आंकड़े को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि योगी मोदी ने सभी वर्गों खासकर गरीब तबके का ख्याल रखा। गैस हो, शौचालय हो, आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, दुर्घटना बीमा जैसी तमाम योजनाओं को दिया, कोरोना जैसी बीमारी में रात दिन काम किए। उन्होंने योगी मोदी को तपस्वी बताया, कहा कि लक्ष्मी न हाथी पर आती है, न साइकिल पर आती है, न पंजे पर आती है, लक्ष्मी जब आती है तो कमल पर आती है, इसीलिए हिंदू मुसलमान मिलकर अब गरीबी से लड़ेगा। इस देश के अंदर 70 सालों से देश का अपमान होता रहा। आज दुनिया के अंदर भारत माता जय बोलने में लोग शर्म करते थे, वंदे मातरम बोलने में शर्म महसूस करते थे। वह स्वतंत्रता सेनानियों ने जो वंदे मातरम और भारत माता जय के नाम पर गले में फांसी का फंदा चूम लिया था, लोग धरती पर उतरते थे तो प्रधानमंत्री पता कहाँ खो जाता था, विश्व के धरती पर पता नहीं चलता था। आदरणीय मोदी जी अमेरिका से लेकर चाइना तक और विक्टोरिया महल में भी प्रवेश करते हैं तो 70 सालों बाद पहली बार वंदे मातरम और भारत माता का जय जयकार पूरी दुनिया की धरती पर होता है। ये हिंदुस्तान का सम्मान है भाई, हिंदुस्तान का सम्मान है। और इस देश के अंदर इन्हीं लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो ट्रस्ट चलाते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप जो ट्रस्ट चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते हैं, ये लोग कहते थे राम मंदिर पर अस्पताल बना दिया जाए, आज उसी मंदिर के लिए जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, रात दिन लोग आ रहे हैं। ये देश का अपमान करते हैं, शंकराचार्य का अपमान करते हैं, भगवा का अपमान करते हैं और हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, समाज का अपमान करते हैं, गरीब का अपमान करते हैं। ये कोई शासन थोड़ो चलाते हैं, ये ट्रस्ट चलाते हैं, लोकतंत्र चलाते हैं, अपमान करते हैं देश का। और इनका शासन तो आने ही, अब तो गए, लद गए इनके दिल, दिखाई दे रहा है, इनको लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, गए काम से। मतलब ये जब से हटे हैं ये मुख्यमंत्री का सपना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको लगता है मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लद गए। कोरोना जैसे महामारी में एक दिन नहीं दिखाई दिए भाई। आदरणीय योगी जी रात दिन बीमार होने के बाद भी रात जी जनता की सेवा करते रहे, जान जहान दोनों बचाने का काम किया। देखिए क्या है, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, इटावा, औरैया खत्म हो चुके हैं, अब आजमगढ़, लालगंज, आप सबके आशीर्वाद से ये और एक बार उनका किला हम लोग फतेह कर लें। बस ईश्वर मैया और यहाँ का जनता जनार्दन हम लोगों पर आशीर्वाद कर दे, बस इसी के प्रयास में हम लोग जनता का आशीर्वाद लेते आते हैं। हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है, हमारे नेताओं ने तप किया है, तपस्या किया, त्याग किया, कार्यकर्ता मैं गरीबों की सेवा करने आए हैं और देश का सपना मेरा कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे और पूरी दुनिया को दिशा दे, इस धरती से आतंकवाद समाप्त हो, इस धरती से आतंकवाद समाप्त हो, शांति हो पूरी दुनिया के अंदर। और जब शांति हो जाएगा और नेता ईमानदार रहेगा तो सभी समस्या का समाधान है, सभी समस्या का समाधान है। इसलिए आपके से मैं अपने पत्रकार मित्रों से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे, यही मैं निवेदन करता हूँ।